नंबर एक, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। जब कभी भी आप आभार व्यक्त करते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव चीज है ना, वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। एंड हियर इज अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट, एक ग्रैटिट्यूड जार बनाकर। एक पतीला लीजिए या फिश बोल, जो कुछ भी, एंड एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड आप एक चिट पे लिखिए, आई एम ग्रेटफुल टूडे फॉर फिल इन द ब्लैंक, जो कुछ भी हो। अगर आपके दिन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, देन सिंपली राइट, आई एम ग्रेटफुल टूडे दैट आई एम अलाइव। हर रोज अगर आप ये ग्रैटिट्यूड, ये आभार व्यक्त करेंगे, धीरे 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 आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, वेर यू आर अवेयर कि चाहे जिंदगी में जितनी भी तकलीफें हों, जितनी भी परेशानियां हों, जितनी भी बाधाएं हों, यू एक्चुअली हैव समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर। नंबर दो, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान के पास है, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढ पाना, सोच पाना, उसकी तरफ अपना अटेंशन डेडिकेट डिवोट कर पाना, वो बहुत कम लोगों में है। जिंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा हो, देन ऑफ कोर्स टेक योर मोमेंट टू गो थ्रू द इमोशंस, जहां भी दुख हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो, निराशा हो, बट देन थिंक ऑफ कि इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, व्हाट कैन बी डन। सो बिकम सॉल्यूशन फोकस्ड एंड दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर एंड एवर। हियर इज एन एग्जांपल, आप एक इंटरव्यू से आए, एन इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, एंड यू आर डिजेक्टेड क्योंकि ये पांचवां, छठा, दसवां, पंद्रहवां इंटरव्यू था, एंड यू आर फीलिंग वेरी लो। लेकिन एक सॉल्यूशन फोकस माइंडसेट ये बोलेगा कि यार जो हो गया वो हो गया, इसको मैं फिक्स कैसे कर सकता हूं, एंड दे विल सिट डाउन एंड थिंक अबाउट कौन सी चीजें थी जो शायद मुझे एक रिजेक्शन की तरफ ले जाएंगी, चाहे वो आंसर सही नहीं था, मेरे क्रेडेंशियल सही नहीं थे, फिटमेंट सही नहीं थी, यहां मैं चूक गया, वहां मैंने कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, व्हाटएवर द रीजन इज, आप एक लिस्ट बनाएंगे एंड देन यू विल आस्क इसमें से सबसे जरूरी रीजंस कौन से, यू विल रैंक देम अकॉर्डिंगली, एंड देन यू विल आस्क इसको मैं फिक्स या इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, एंड देन यू विल गो अहेड एंड डू दैट। इसमें काम है, ऑल द एक्चुअली मैं 14 चीजें बताऊंगा, 7 चीजें मुश्किल हैं, 7 चीजें बड़ी आसान सी हैं, विच कैन गेट यू स्टार्टेड सो दैट यू हैव अ नाइस हैप्पी मिक्स ऑफ हाउ टू ब्रिंग इन द पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये मुश्किल काम है फॉर श्योर, लेकिन वो सॉल्यूशन माइंडसेट हो पाना ना बहुत जरूरी है टू ब्रिंग अबाउट दैट पॉजिटिव माइंडसेट इन यू। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे जो कि भारत से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, वो बोलते रहते हैं यार फीस को कैसे हम मैनेज करेंगे, लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे, अकोमोडेशन कैसे मैनेज कर पाएंगे, एंड द सॉल्यूशन माइंडसेट विल बी स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, लेट्स ट्राई एंड फिगर दैट आउट, क्या करना होगा स्कॉलरशिप के लिए, कौन से एसेज लिखने होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, किधर कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, एंड दैट विल बी अ वे फॉर यू टू रिड्यूस द बर्डन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लेवरेज एड्यू, जो कि भारत का टॉप स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग फर्म है, एंड यूके के स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन जो है वो इस महीने मई में है। सो इफ यू आर गोइंग टू द यूके लेकिन आपके पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि उसको फंड कैसे करेंगे, देन अप्लाइंग टू स्कॉलरशिप्स could be a great way for you to consider. Leverage Edu इस journey में आपका साथ दे सकती है क्योंकि उनके पास वो expertise है, connections है and awareness है कि आपको एक scholarship कैसे दिलाई जा सकती है. They don't guarantee but they certainly guarantee to help you with everything that they can with their team. उसका founder अक्षय चतुर्वेदी ISB का ही alum है, एक अच्छा दोस्त है. I am a investor in Leverage Edu, तो ये एक biased opinion है, please इसको take it for what it is worth. Lekin agar aap interested hain in applying for scholarships to the UK admission cycle this year, then pinned comment or description mein unka link hai, jisko click karke aap ek session book kar sakte hain. Number 3, reframe negative thoughts. Negative thoughts na ek natural gravity sucking element hai. Jab kabhi bhi hum ek negative mindset mein aate hain, to hum bolte hain humse nahi ho payega, वो हमें छोड़ देंगे, हमें कोई प्यार नहीं करेगा, मैं यहाँ नहीं जीत पाऊंगा, मैं वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मैं वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाऊंगा। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यू टू रीफ्रेम दीज नेगेटिव थॉट्स इनटू अ रियल थॉट। पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, जबरदस्ती का एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं डालने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक रियल थॉट आ सकता है। हियर इज एन एग्जांपल, एक नेगेटिव थॉट है
कि मैं ये एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका एक रीफ्रेम्ड रियल थॉट है, रीफ्रेम्ड रियल थॉट है, इसका एक रीफ्रेम्ड रियल थॉट है कि इस एग्जाम को क्लियर करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड शुरू शुरू में वो मेहनत बहुत कठिन होगी, बहुत मुश्किल लगेगी, बट आई थिंक आई कैन गेट देयर। मैं ये पहले भी कर चुका हूं एंड शायद इस बार भी कर सकता हूं। When you reframe that, it becomes a real thought, right? इसमें मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, जबरदस्ती ये नहीं किया, oh, you can do it, you have the power in you, may the force be with you, जबरदस्ती वाला positivity नहीं थोपने की कोशिश करी। You are reframing something which is self-limiting, एक एक नेगेटिव अप्रोच को ना अडॉप्ट करते हुए एक रियल अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड दैट हेल्प्स यू ब्रिंग इन द पॉजिटिव माइंडसेट दैट यू नो व्हाट इट मे बी पॉसिबल। करके देखते हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा जिंदगी जीने का नजरिया है जहां आप माइंडफुल होते हैं, विच मीन्स कि प्रेजेंट में जीते हैं। अपने पास्ट को आप बदल नहीं सकते, अपने फ्यूचर के बारे में आप चिंता ना करते हुए जो करंट मोमेंट है उसमें जो कुछ भी चाहिए आप 100% उसमें अपना अटेंशन डिवोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीइंग माइंडफुल। अब ये माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करें? एक तो हो सकता है सोच सोच के नहीं ध्यान देना, बट इट बिकम्स हार्ड। सो ग्रेट वे टू डू दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा साइंस, एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि माइंडफुल कैसे बना जाए। आई हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 7 years नाउ एंड पिछले 1390 दिन, आई थिंक लास्ट काउंट 1390 दिन, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। आई मेडिटेट एवरी डे फॉर 30 minutes और उन 30 मिनटों में मैं किसी को सुन नहीं रहा होता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा होता है, मैं सिर्फ चिड़िया, हवा और पानी की आवाज़ सुनते हुए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पे ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। एंड द आइडिया इज कि आप अपने थॉट्स रोक नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे। आप सिर्फ अपने थॉट्स से वाकिफ हो सकते हैं, विच मीन्स जो कोई भी आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि ओ मुझे वो कंप्लीट करना था, अरे मुझे उससे बात करनी थी, अरे ये मेरी जिंदगी में होगा कि नहीं होगा, मुझे इस बारे में चिंता है, व्हाटएवर इट इज, यू विल एक्सेप्ट दैट थॉट, बी अवेयर ऑफ इट एंड देन कम बैक टू योर ब्रेथ। एंड जब आप ये करते हैं देन यू लेट गो ऑफ दैट थॉट एंड दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो असली जिंदगी में आप फर्ज करिए किसी के साथ बात कर रहे हैं एंड अचानक से आपका दिमाग भटक गया, किसी और दिशा में चला गया, वो रात को कुछ करना है, उससे फोन करना था, अरे वो प्रिपेयर नहीं किया है, मेरी जिंदगी में क्या होगा, एनीथिंग, राइट? द रेंज कुड बी रियली वाइड। अगर आप ये माइंडफुलनेस टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे थ्रू मेडिटेशन, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन रियल लाइफ एज वेल। आपको पता चलेगा कि ये थॉट आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप उस थॉट को कबूल करेंगे, एंड देन यू विल कम बैक टू द प्रेजेंट एंड दैट विल कीप यू सेन। नंबर 5, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जितना भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रख सकते हैं उतना ही आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, ये लिखा हुआ है, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। जब कभी भी मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ही पॉजिटिव नहीं है, हमारे भाई बहन ही पॉजिटिव नहीं है, हमारे दोस्त पॉजिटिव नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ रिश्ते हम नहीं बदल सकते, कुछ रिश्तों से हम नहीं टूट सकते, लेकिन उनसे अलग जरूर हो सकते हैं। एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप अपने माँ बाप को भूल जाइए, उनकी परवाह मत करिए, उनकी इज्जत मत करिए, उनकी कदर मत करिए, ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ रहें। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वी मेक इन आवर लाइफ। अगर आपके माँ बाप आपके लिए फॉर व्हाटएवर रीजन सही मात्रा में या सही हिसाब से सही नहीं है, देन इट इज फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मूव आउट, ताकि आप उस रिश्ते को बचा पाए। उनके पास रहिए, जब भी उनकी मदद करनी हो उनकी मदद करिए, उन्हें प्यार करिए, लेकिन उनके साथ रहना जरूरी नहीं है। सेम गोज फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर। अगर दोस्त है, आपके पास चॉइस है, आप उन दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए जो आपको नेगेटिवली हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, वो लोग जो अच्छा सोचते हैं, जो आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो काम के बारे में बातें करते हैं, लर्निंग के बारे में बातें करते हैं, आगे बढ़ने के बारे में बातें करते हैं,
सिर्फ पास्ट में नहीं अटके रहते हैं, सिर्फ फ्यूचर के बारे में वरी या कंप्लेन नहीं करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा एक सोल्यूशन माइंडसेट के साथ आपको भी मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। नंबर 6, सेट अचीवेबल गोल्स। ये बहुत जरूरी एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अक्सर हमारी जिंदगी में हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंस जाते हैं, लेकिन सोचने की कोशिश करिए कि नेगेटिव सेल्फ टॉक आता कहां से। इट ऑफन कम्स जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, एंड वर्स हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और उस टाइमलाइन जिस पे हमने अपने आप को वो गोल सेट करवाया था तब नहीं कर पाते। सो यू वुड नॉट जस्ट से कि मुझे एक घर खरीदना है, यू विल आल्सो से मुझे 30 साल तक घर खरीदना है। यू विल नॉट जस्ट से कि मुझे एक आईफोन खरीदना है, आप बोलेंगे मुझे 23 साल से पहले पहले एक आईफोन खरीदना है। जबरदस्ती का प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? नंबर 1, अचीवेबल गोल्स। नंबर 2, उन गोल्स के साथ कोई भी टाइमलाइन प्लीज मत अटैच करिए। जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉइंट पे उस गोल पे पहुंचे हैं, क्योंकि यू विल नेवर बी दैट लेट, एंड इवन इफ यू आर, उस गोल तक पहुंच पाना इज द सक्सेस, नॉट द फैक्ट व्हेन यू रीच देयर। डोंट मेक दैट प्रॉमिस, डोंट गेट अप एंड से कल से हर रोज मैं जिम जाऊंगा, बिकॉज व्हेन यू डोंट डू दैट, आपका दिमाग आपको बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम सिर्फ वादे करते हो, निभा नहीं सकते, एंड दैट विल गेट यू इनटू दैट नेगेटिव स्पाइरल जिससे आप एस्केप करना चाहते हैं। प्लीज सेट अचीवेबल गोल्स, अपने आप से वादे मत करिए, अपने आप को एक प्रोसेस में डालने की कोशिश करिए, समथिंग दैट यू कैन डू एवरी सिंगल डे विदाउट वरिंग कि ये मुझे कहां ले जाएगा, एंड दैट विल सरप्राइजिंगली द वे दैट यू बिल्ड योरसेल्फ पॉजिटिवली। एंड नंबर 7, साइंटिफिकली प्रूवन, द बेस्ट वे टू रिमेन पॉजिटिवली फिट इज टू स्टे फिट फिजिकली। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है दैट हैज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, वो चलना हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, भागना हो सकता है, अपने डॉग को वॉक पे ले जाना हो सकता है, दोस्तों के साथ चलना फिरना हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, जिम ऑफ कोर्स हो सकता है, योगा हो सकता है, एरोबिक्स हो सकता है, डांस हो सकता है, एनीथिंग दैट गेट्स यू फिजिकली एक्टिव। आपकी हार्ट बीट रेस करनी चाहिए, आपको पसीने आने चाहिए, यू शुड फील गुड अबाउट द फैक्ट कि आपकी एक बॉडी है, एंड दैट विल इंस्टेंटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल वेलबींग एज वेल। हर रोज सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी 1.5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है देन एनी अदर मेडिकेशन फॉर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। इट्स क्रेजी कि हमें ये बॉडी मिली है फ्री में, एंड तब भी हम मेडिकेशन में, थेरेपिस्ट में, साइकोलॉजिस्ट में, साइकेट्रिस्ट में इन्वेस्ट करते करते अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं व्हेन वी हैव द कंट्रोल टू टेक चार्ज ऑफ इट। अब आते हैं 7 आसान तरीकों से, आसान तरीकों से एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्माइल मोर ऑफन। इट इज क्रेजी दैट इट्स ट्रू, आप अगर जबरदस्ती भी मुस्कुराते हैं ना, इट इज प्रूवन टू हेल्प यू गेट टू अ पॉजिटिव एंड अ बेटर माइंडसेट। हियर इज माय हैक, रोज सुबह उठ के आईने के सामने जब भी आप खड़े होंगे, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, सुसु पॉटी करने के लिए, जो भी, लुक इनटू द मिरर, look into your eyes and smile, just smile, force yourself to smile agar aapko wo muskurahat nahi andar se feel ho rahi, but do that and it will change your life, I guarantee you it will change your life। Number 2, uplifting music ya uplifting videos। Aksar log bolte hain ki aapka video dekh ke na bada inspiration milta hai, great, agar ye video algorithm ne nahi aaj dala ho ya मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया या आप नहीं देख पाए, वेयर एल्स वुड यू गेट दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम? क्या आपकी इंस्पिरेशन चांस पे निर्भर है कि अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम चल गया तो वीडियो दिख गया जिससे इंस्पिरेशन मिल गया, अगर नहीं हुआ तो कुछ और देख लिया? ना, यू कांट लीव इंस्पिरेशन टू चांस, इंस्पिरेशन नीड्स टू बी अ डिसीजन। आप अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपलिफ्टिंग म्यूजिक, अपलिफ्टिंग वीडियोस, अपलिफ्टिंग कॉन्टेंट, इसको कंज्यूम करिए और एक्टिवली एज अ डिसिप्लिन कंज्यूम करिए। आई रिमेंबर आई यूज टू डू दैट फॉर ऑलमोस्ट 4 years एवरी डे, घर से ऑफिस जाते हुए जब मैं नियर बाय चला रहा था, 2015 टू 2019, एवरी सिंगल डे जब मैं घर से ऑफिस गया हूं, मैंने वो आधा घंटा
कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल देखा है, चाहे वो एक टेड टॉक हो गया या कोई मोटिवेशनल थीम हो गई या कोई इंटरव्यू हो गया या कोई गाना सुन लिया, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड एक तरीके का विश्वास आता है दैट यू कैन डू इट, दैट इट इज नॉट येट ओवर एंड दैट जस्ट लिफ्ट्स यू अप फॉर द डे एंड इफ यू डू दैट एवरी डे एंड आपका दिमाग भी वैसे ही चलने लगता है। नंबर तीन, इट इज क्रेजी दैट दिस इज ट्रू अगेन, विटामिन डी सनशाइन। बाहर जाके सूरज को अपनी बॉडी से इंटरैक्ट करने दीजिए, डोंट सिट इन दिस कुकून, सिर्फ घर के अंदर बैठे बैठे ही नहीं अपना दिन बिताना है, बाहर निकलिए। इट इज प्रूवन बाय रिसर्च 60% ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइजेशंस इन द यूएस, अगर उनको विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में मिल गया होता तो वो हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट हो सकता था। दैट्स शॉकिंग। इट्स फ्री, सूरज फ्री है, हवा फ्री है, बाहर जाना फ्री है, आपकी बॉडी फ्री है, आपका दिमाग फ्री है। प्लीज बाहर जाइए, सनशाइन लीजिए, विटामिन डी बनाइए एंड मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। नंबर चार, माफ करिए, लोगों को माफ करिए। फॉरगिवनेस इज अ ब्यूटिफुल वे एंड प्रूवन अगेन टू जनरेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। थिंक अबाउट इट, जब कभी भी हम किसी की तरफ एक ग्रज होल्ड करते हैं, एंगर रिजेंटमेंट होल्ड करते हैं, उसमें ना एफर्ट लगता है, हमें एक्टिवली सोचना पड़ता है कि हम उस इंसान के ऊपर गुस्सा है, उसने हमारे साथ ये किया ये किया ये किया, हमें ऐसे बिहेव करना है, हमें ऐसे पेश आना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन अगर आप उस इंसान को माफ कर देते, यू मूव ऑन, यू एक्चुअली आर एबल टू लेट गो एंड आप अपना दिमाग खाली करते हैं फ्रॉम ऑल द नेगेटिव टॉक दैट यू आर कंज्यूम्ड बाय। फॉरगिव पीपल, फॉरगिव सिचुएशंस। नंबर फाइव, इसी के चलते हेल्प, बी काइंड। जब कभी भी आप लोगों की मदद करते हैं, इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड इफ यू जेन्युइनली डू दैट एज अ हैबिट, आपको अपने बारे में एंड दुनिया के बारे में बहुत पॉजिटिव और महसूस होगा। एंड बहुत बड़ी मदद जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि पैसे वैसे दे दिए हैं या जिंदगी बदल दी है, ना, इट्स एज सिंपल एज कि कोई ऑफिस में पेन ढूंढ रहा है एंड यू गिव देम दैट पेन, कोई इंसान किसी इंसान को ढूंढ रहा है एंड यू मेक देम अवेयर कि वो ना कैफे में बैठे हुए हैं या वो उस रूम में है, और somebody is saying कि यार इस प्रेजेंटेशन को कोई थोड़ा सा देख सकता है टू गिव मी फीडबैक, एंड यू वॉलंटियर एंड फॉर टू हेल्प, नॉट विद एनी एक्सपेक्टेशन अटैच्ड, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे एक्सपेक्टेशन अटैच होती है तो वो हेल्प नहीं होता, वो एक ट्रांजैक्शन होता है दोस्त। तो ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, मदद करनी है, एंड द श्योरेस्ट वे टू डू दैट इज टू डू इट एब्सोल्युटली विद नो एक्सपेक्टेशन, यू विल फील पॉजिटिव एंड ग्रेट अबाउट योरसेल्फ। नंबर छह, एंगेज इन एक्टिविटीज जिससे आपको खुशी महसूस होती है। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको करने से उनको खुशी महसूस होती है, चाहे वो कुछ भी हो, वो बच्चों के साथ खेलना हो सकता है, अपने पेट्स के साथ खेलना हो सकता है, कोई स्पोर्ट खेलना हो सकता है, म्यूजिक देखना हो सुनना हो सकता है, मूवीज देखना हो सकता है, कुछ बनाना हो सकता है, कुछ सीखना हो सकता है, कुछ सिखाना हो सकता है, वट एवर द केस में भी कुछ ऐसा करिए, हर रोज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड नंबर सात, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, सोशल मीडिया पे हर उस इंसान को अनफॉलो करिए जिसका कंटेंट कंज्यूम करके आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है। एंड व्हेन आई से दैट, ये जरूरी नहीं है वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, ये जरूरी नहीं है आपके रिश्तेदार हैं या आपके माँ बाप हैं या आपके भाई बहन हैं या आपके दोस्त हैं, ये कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर भी हो सकता है जिसका कंटेंट देख के आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। Whosoever that person is, however helpful they're trying to be, remove them, unfollow them. For example, अगर ये वीडियो देख के आपको ऐसा लगता है कि यार ये whenever I watch these videos ना from Ankur Wari को, मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम sorted है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीत चुका है, 42 years का है, बच्चे भी हैं, family भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, अब हमें वो ज्ञान बांट रहा है, और जब भी वो ज्ञान बांटता है ना तो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत छोटा महसूस होता है कि मैंने क्या ही कर लिया, मैं कितनी दूर हूं, कभी मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। एंड यू नो व्हाट, इफ यू फील दैट वे, आई एम नॉट गुड फॉर यू, आई एम नॉट गुड फॉर यू एंड यू शुड अनफॉलो मी एंड एवरीवन लाइक मी, क्योंकि ये आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। अनफॉलो एवरीवन ऑन सोशल मीडिया,
जिसका कंटेंट कंज्यूम करके आपको अपनी जिंदगी के बारे में छोटा महसूस होता है। When you bring these 14 things together, आप पहला कदम लेंगे towards a positive mindset. And trust me, आजकल की दुनिया में, आज की दुनिया अगर किसी के पास एक पॉजिटिव माइंडसेट है, एक ऐसा माइंडसेट है जो बिल्कुल क्लियर है, फोकस्ड है एंड मोर इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव है, यू आर गोल्ड। क्योंकि दुनिया आज के समय पे इसी चीज से जूझ रही है। दे आर फीलिंग हेल्पलेस, दे फील लाइक ये नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये नेगेटिव दुनिया, ये नेगेटिव वर्स्ट केस सिनेरियो उनकी पूरी जिंदगी को पैरालाइज कर रहा है। और अगर आप इससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, देन दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योरसेल्फ। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं। एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन।